हाय दोस्तों, मैं कविता पाठक और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि हम अपने मेकअप ब्रशेस को क्लीन कैसे करें। तो चलिए देखते हैं। Hold up. Yeah. आपने देखा होगा कि मेकअप करने के लिए हमें बहुत सारे ब्रशेस की जरूरत होती है। प्रोफेशनल्स तो बहुत सारे ब्रशेस यूज करते हैं, लेकिन जो लोग घर में मेकअप करते हैं या अपना सेल्फ मेकअप करते हैं वो ज़्यादा ब्रशेस यूज नहीं करते हैं। और हमने जनरली ये भी देखा है, जो भी हम ब्रश यूज कर रहे होते हैं उसको हम वॉश नहीं करते, उन्हीं को यूज कर रहे होते हैं, बार बार उन्हीं को अप्लाई कर रहे होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम ब्रशेस यूज करें तो उनको वॉश करके जरूर यूज करें। क्यों? क्योंकि सेम कलर हम एक के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट कलर एक ही ब्रश में लेते रहते हैं तो प्रॉपर कलर नहीं आता और मेकअप भी अच्छा नहीं होता। तो हमेशा आपको डिफरेंट डिफरेंट मेकअप में ब्रशेस को वॉश करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आई मेकअप में हम आई शेडो ब्रश यूज़ करते हैं, ब्लशर के लिए ब्लशर ब्रश यूज़ करते हैं, कंटोरिंग के लिए कंटोरिंग ब्रश, फाउंडेशन के लिए अलग ब्रश होता है, और हमारे आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए अलग ब्रश होता है, मस्कारा लगाने के लिए अलग ब्रश होता है, लिपस्टिक लगाने के लिए अलग ब्रश होता है। इन सारे ब्रशेस को हम कैसे यूज़ करते हैं मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है, और ये हमारे मेकअप के टूल्स हैं। जितने ज़्यादा ब्रशेस होंगे और जितने अच्छे ब्रशेस होंगे, क्वालिटी का भी बहुत मैटर करता है मेकअप में, तो हमेशा अच्छी क्वालिटी के ब्रश लीजिए। और जब आप ब्रशेस में पैसा डालते हैं और अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस लेते हैं तो उनकी देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें इनको वॉश करें। दोस्तों, सबसे पहले हमें लेना है गर्म पानी। ये मैंने गर्म पानी ले लिया है। इसमें मुझे डालना है शैम्पू, आप डिश वॉशर भी डाल सकते हैं, आप इसमें शावर क्रीम भी डाल सकते हैं, और आपको डालना है इसमें एक चम्मच विनेगर। और इसको अच्छे से मिलाने के बाद आप इसमें अपने ब्रशेस को डाल दीजिए और 20 मिनट्स आपको इन ब्रशेस को ऐसे ही रखना है, उसके बाद वॉश करना है। तो ये 20 मिनट बाद हम इसको साफ पानी में धो लेंगे। और फिर इनको ड्राई होने के लिए रख देंगे। देखो, बिल्कुल क्लीन हो गए हैं हमारे ब्रशेस। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि आपको छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में बताऊं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।